हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद मैं अपने काम पर लौटी हूँ। छुट्टी थी कई दिनों से, तो आज मैं बहुत टाइम से स्कूल पहुँच गई हूँ। तो थोड़ा सा आपको यहाँ के नज़ारे दिखाती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कई दिनों के बाद स्कूल में आके। ये हमारे स्कूल को जाने का रोड से नीचे पहुँचने का रास्ता है थोड़ा सा, और सामने कई सारे रिजॉर्ट हैं। ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, बहुत दिनों के बाद जो है स्कूल जाने का मौका मिला। कई दिनों से मैं छुट्टी में चल रही थी, तो अब होली भी ख़त्म हो गई, छुट्टी सब ख़त्म। अब अपने काम पर वापस लौटो। और ये देखो, ये है हमारा स्कूल। अब मैं पहुंच गई अपनी स्कूल। आज मैं कुछ ज़्यादा जल्दी आ गई हूँ, मुझे टाइम से पहुंच गई पहले। तो लगता है शायद अंदर भी कोई पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो तब तक आपको मैं अपने स्कूल के वो दिखाती हूँ, अपने स्कूल का व्यू दिखाती हूँ। तो मेरे साथ देखिएगा कि हमारे स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, और बच्चों ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं टीचर्स के सहयोग से। टीचर्स ने मिलके बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, मैं आज आपको अपने स्कूल का पूरा व्यू दिखाती हूँ। देखिए बाहर से ही पेंटिंग शुरू है, और ये है हमारी स्कूल की बेल जो सबको हमेशा अवेयर करती है कि जल्दी आओ, समय से आओ और समय से जाओ। अब देखिए स्कूल की थोड़ी गार्डन है यहाँ पर, बच्चों ने थोड़ी सी जो उनका पर्यावरण विषय है उसमें अब उन्होंने थोड़ी सी गार्डनिंग की हुई है। सरसों भी यहाँ पर सरसों भी बोई गई है थोड़ी बहुत। ये थोड़ा छोटा मोटा किचन गार्डन जो है वो बनाया था बीच में, इसमें काफ़ी अच्छी सब्जी हुई थी, पर आजकल थोड़ी सी अब नहीं है। मेथी वेथी बीच में बोई गई थी। और यहाँ पर अब देखो फ्रंट व्यू, ये है हमारे स्कूल का फ्रंट से। आगे से ये ग्राउंड है जिसमें बच्चे प्रेयर भी करते हैं और खेलते भी हैं। इधर बच्चों के लिए ये बास्केटबॉल का गोल पोस्ट भी लगाया गया है। और इस साइड को जो है ये नई बिल्डिंग बनी हुई है, इस साइड को कुछ बच्चे अभी पहुंच गए हैं स्कूल में। इन बच्चों को ज़्यादा, ये भी मेरी तरह है कि ज़्यादा जल्दी पहुंच गए, कुछ ही बच्चे आए हैं अभी देखिए। तो ये बच्चे पहुंच गए हैं स्कूल, और अब बच्चे भी मुझे देख के खुश हो रहे शायद। देखिए और हमारे स्कूल के ऊपर से सामने दिख रही है, ये है ये उजाला एकेडमी इसको बोलते हैं। ये यहाँ पर जजेस की ट्रेनिंग वगैरह होती है। ये देखिए हमारे स्कूल का फ्रंट से यहाँ पर जो है कई सारे गमले वगैरह रखे गए हैं, और एक बेल लगी हुई है। ये यहाँ से अंदर के लिए एंट्रेंस है। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर कुछ फ्लावर्स खिले हुए हैं सुंदर सुंदर, ये देखिए। और पास में सरस्वती माता विराजमान है, और उसके बाद नोटिस बोर्ड के साथ में ऊपर में। और देखिए दरवाजों पर अभी दिखाते हैं, दरवाजों पर क्या सुंदर सी पेंटिंग की गई है। मैं हमारी प्रिंसिपल मैडम ने किया था इसमें छोलिया नृत्य जो है उसकी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है बहुत सुंदर सी। और आप पूरे स्कूल में देखेंगे तो सभी जो दीवार है उनमें आपको सुंदर सुंदर पेंटिंग दिखेगी। तो मैं आपको अपने पूरे स्कूल की पेंटिंग आज दिखाती हूँ कि कैसे सब जगह दीवारों पर दरवाजों पर कितनी सुंदर सी पेंटिंग बनाई गई है। एक्चुअली ये एक दो साल पुरानी हो गई है, इनको बने हुए काफ़ी समय हो गया है। तो पूरे स्कूल का जो बाहर का व्यू है, क्लासरूम के अंदर नहीं बल्कि क्लासरूम के बाहर, देखिए बच्चों ने प्रतियोगिता दीवार है, ये बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। ये सब आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखिए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको ये सब कैसा लगा, बच्चों की मेहनत, इस पर भी आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए ऊपर की ओर ले चलती हूँ आपको, यहाँ के बाद अब आपको ऊपर के फ्लोर में ले चलती हूँ। ये चलिए ऊपर में चलिए, यहाँ पर देखिए दीवार पर कितनी सुंदर सुंदर, और इस दीवार पर हमारी होम साइंस की मैडम है सीमा नयाल मैडम, उन्होंने बनाए हैं ये सुंदर से जो चित्र हैं। ये देखिए ये अपन हमारी उत्तराखंड का, ये सब उन्होंने बनाया है बहुत सुंदर। ये कंप्यूटर कक्ष का है, और कंप्यूटर कक्ष में कुछ रूल्स लिखे गए हैं, और साथ में कुछ थोड़ी सी पेंटिंग बनी है। ये ऊपर को जाते हुए सीढ़ियों पर देखिए सुंदर सी डॉल्फिन बनी है, और बहुत सुंदर सुंदर आपको पेंटिंग दिखेगी। कीप क्वाइट, इस तरीके से बहुत सुंदर यहाँ पर बनाए हुए हैं।
जब इस तरीके की पेंटिंग दीवारों पर बनी होती तो इससे दीवारें थोड़ी अच्छी दिखती हैं और बच्चों को भी एक नया उत्साह आता है पढ़ने में और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है, यहाँ पर कुछ क्लासरूम के रूल्स लिखे हैं और ये सब मैंने लिखे थे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बच्चों ने दीवार पत्रिका बनाई है जिसमें बच्चे अपने मंथली या उनके वीकली कुछ कलेक्शन जो होता है बच्चों का वो करते हैं। यहाँ पर ये हमारा म्यूजिक रूम है, म्यूजिक रूम के आगे म्यूजिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैम ने बनवाई हैं। और अब आ गया साइंस रूम का, साइंस रूम में जो साइंस की मैम लोग हैं उन्होंने ये देखिए किस तरीके से साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं और यहाँ पर OMR को कैसे भरा जाता है बच्चों को ये सिखाया गया है। यहाँ पर मैथ्स के कुछ रूल्स लिखे हैं, घातांक वगैरह। और ये यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स से और अदर जो देखिए योगा वगैरह जो है उससे रिलेटेड सूर्य नमस्कार और बाकी ये सब हमारी स्पोर्ट्स की मैम ने, क्रीड़ा कक्ष यहाँ पर है तो उससे रिलेटेड सारी दीवारें जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर देखिए SST से ये ताजमहल और बुलंद दरवाजा, ये सब रेड फोर्ट, ये सब यहाँ पर बनाए हैं सारी दीवारें। ये देखिए यहाँ पर क्राफ्ट जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर दीवारें सजाई गई हैं। बच्चों को भी ये सब मोटिवेट करता है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए दीवार में अब मैं नीचे को चल रही हूँ, चलिए अब वापस चलते हैं यहाँ से। आज के लिए ये व्यू बहुत है, अब नेक्स्ट टाइम में कभी आपको फिर और दिखाएंगे। देखिए ये प्यारी सी डॉल्फिन और साथ में यहाँ पर एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई गई है। ये अब आ गए हम स्कूल में बाहर ग्राउंड में और अब हो गया है प्रेयर का समय, तो बेल बजने लगी स्कूल की, तो अब हम करते हैं प्रेयर की तैयारी भी। देखिए इधर पीछे प्राइमरी स्कूल है, वो भी काफ़ी अच्छा सजाया है बाहर की तरफ भी। यहाँ पर बच्चों को आज बिस्किट बांटे, दिखाओ अपने बिट में बिस्किट दिखाओ भाई, ये देखो। और रेखा मैम के हाथ में अभी थैला है बाकी बच्चों के लिए भी बच्चों को बिस्किट दिए गए हैं तो बच्चे बहुत खुश हैं। क्यों, चलो